स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द जेनेटिक्स, दैट इज़ को डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एंड एज वी ऑल नो दैट वॉट इज डोमिनेंस, एंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग एलील्स only one can express itself in an individual, and the gene which can, or you can say allele which can expresses itself is known as dominant, while the other which has not shown its effect is termed as the recessive. ये तो सब आप जानते हो ये चीज़ें, but it is for your information that all the time law of dominance is not always found to be correct. हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज देर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर द कम्प्लीट डोमिनेंस इज एबसेंट. And in such cases, some traits of F1 genotype, traits means characters of F1 phenotype, is intermediate between those of the parental trait. That means you can say in easy words that in incomplete dominance, the gene of an allelic pair are not expressed as dominant and as recessive, but expresses themselves partially when present together in a hybrid. As a result, what happens that F1 hybrid show characters which are intermediate to the effect of the two genes. तो ये जो phenomenon है आपको समझ में आया कि it is not a universal, है ना. आप हमेशा के लिए ये नहीं मान सकते कि जो dominance है वो हमेशा या तो चीज़ dominant होगी या चीज़ recessive होगी. It can be sometime incomplete also. And as I told you that incomplete का मतलब कि both the genes expresses neither as a dominant or as a recessive. वो dominant या recessive की तरह नहीं express करते दोनों में से कोई भी. Suppose if I write like this, here I can write like this, तो ये इसमें से R capital या R small जो है दोनों में से कोई भी ना अपने को dominant show करेगा जब product बनेगा, ना ही recessive show करेगा. They expresses partially. ये दोनों हाफ वे दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड. व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड. एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो इन द बोर्ड एग्जाम्स, दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स. और समटाइम्स वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, लाइक कि जो प्लांट है, सपोज द डॉग फ्लावर, इट इज़ नोन एज एंटेरिनियम मेजस ऑल्सो, उसका नाम है एंटेरिनियम मेजस. उसमें किस तरह का इनहेरिटेंस होता है, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है. तो एंटेरिनियम मेजस और डॉग फ्लावर आपको याद रखना है कि ये जो है दोनों डॉग फ्लावर, मैं अगेन लिख रही हूँ सो दैट आपको याद रहे, डॉग फ्लावर और एंटेरिनियम मेजस, इट इज़ आल्सो गिवन इन योर बुक्स, तो नीड नॉट टू वरी. तो दीज आर दो इट इज़ वन प्लांट. डॉग फ्लावर इज़ अ कॉमन नेम एंड एंटेरिनियम मेजस इज़ अ बोटैनिकल नेम. तो इसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल जो है हमने डिस्कस करना है. तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्या होता है. सपोज दिस फ्लावर, टू काइंड्स ऑफ फ्लावर आर देयर, तो वी हैव टेकन द रेड फ्लावर एंड अगेन वी आर गोइंग टू टेक द वाइट फ्लावर. तो हमेशा स्मॉल आर लिखते हैं, कभी भी डब्ल्यू नहीं लिखेंगे. तो दिस इज़ यू कैन से ट्रेडिशन, लाइक आप मैथ्स में एक्स एंड वाई मानते हो हमेशा एक्सिस को, उसी तरह से इसमें अगर आप रेड के लिए कैपिटल आर लिखते हैं तो आप जो है वाइट के लिए स्मॉल आर लिखेंगे, नॉट की डब्ल्यू डब्ल्यू वो नहीं लिखोगे. देन इसको क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर हम एक, यहाँ पर दीज आर टू एलील्स, तो एक ले लेते हैं हम कैपिटल आर और इधर से भी हम एक ले लेते हैं स्मॉल आर. एंड देन वी आर गोइंग फॉर द क्रॉस, एंड जब आप क्रॉस कराएंगे तो यू विल गेट द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हाइब्रिड ऑब्वियसली. एंड दिस इज़ द पिंक कलर फ्लावर, मैंने पिंक कलर से भी बनाया है, तो इट इज़ पिंक कलर फ्लावर. एंड दिस इज़ F1 जनरेशन, दीज आर द पेरेंट प्लांट्स एंड दीज आर द गैमिट्स. ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आप क्या बना रहे हो. तो दीज आर द पेरेंट वन, दीज आर द गैमिट्स, दीज आर द F1 जनरेशन, एंड इन F1 जनरेशन यू विल गेट ऑल द पिंक फ्लावर्स. एंड आफ्टर देन वैन यू गो फॉर द सेल्फिंग मीन्स यू मेक द गैमिट्स फ्रॉम दिस. क्रॉस पॉलिनेशन आप करा सकते हो, सेल्फिंग करा सकते हो. तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेंगे दोनों, और इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे. इधर बना लेती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में आप क्रॉस कराएंगे. देन यू विल गेट द रिजल्ट विच आर इन द 1:2:2 रेशियो. यहाँ पर स्पेस नहीं है, इफ़ आई शो यू विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू, दिस वन. Now you can see it here and it will be easy for me to explain you. Here this is the red flower, P1 generation, that means parental generation. This is the white flower, ये मैंने white बनाने के लिए grey किया है, तो ये ऐसा लग रहा है आपको. This is white, I have written it here.
then gamete, capital R small r, all pink flower you have seen. Then selfing, here I have written here. तो ये r capital R small r आपने लिया, ये आपको नेट स्क्वायर से आपने बनाया, you will get this ratio. ये ratio आपको मिला. Where there is a capital R capital R, that means it shows the red flower. ये complete है, तो ये red flower है. Where it is present in the form of hybrid, it is pink flower. ये वाइट नहीं है, ये पिंक फ्लावर है. एंड जहाँ पर स्मॉलर स्मॉल आर आया, इट शोज अ वाइट फ्लावर. तो दैट मीन्स यू विल गेट द 1:2:1 का रेशियो मिला आपको. अगर आप जीनोटिपिकली देखें या फिनोटिपिकली देखें, इफ़ यू सी इट फिनोटिपिकली, दैट मीन्स अपियरेंस वाइज, तो ये आपको रेड फ्लावर दिखेगा, ये पिंक दिखेगा, ये पिंक दिखेगा, ये भी आपको वाइट दिखेगा. अगर आप जीनोटाइप से भी जा रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि दिस इज फॉर रेड फ्लावर, हाइब्रिड इज फॉर मनी कैपिटल आर स्मॉल आर इज फॉर पिंक फ्लावर, एंड स्मॉल आर इज फॉर वाइट फ्लावर. तो दिस इज लाइक दैट ओनली. तो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वॉट इज द रीजन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और वॉट इज द रीजन ऑफ गेटिंग पिंक फ्लावर इन दिस. तो एज यू ऑल नो दैट प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स डिपेंड्स अपॉन द जीन्स, है ना. जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. कोई भी एंजाइम बनना होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है हमेशा, ठीक है. जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. और आपको पता है एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन योर बॉडी. तो कोई भी मेटाबोलाइट बनना हो, फॉर दैट पर्पज यू नीड एन एंजाइम, एंड एंजाइम इज टू मेड इज डिपेंड अपॉन द जीन. तो समटाइम्स ऑल्सो इट हैपन दैट जीन्स बिकम मॉडिफाइड और इट फंक्शन लिटिल बिट डिफरेंटली, सो दैट इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आइदर नॉर्मल जीन, समटाइम्स आइदर दे प्रोड्यूस लेस एफिशियंट एंजाइम और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग नॉन फंक्शनल एंजाइम, और समटाइम्स ऑल टुगेदर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इज एबसेंट. तो इन दैट केस आपको पता है कि अगर जीन का प्रोडक्शन एंजाइम्स का फ़र्क है तो फिनोटिपिक जो फ़र्क है वो भी हमारे पर दिखेगा, या मतलब जो प्लांट है उसके ऊपर जो फिनोटिपिक इफेक्ट है वो दिखेगा. तो दैट इट इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द जीन, यू कैन से, है ना, कि जिस तरह से जीन परफॉर्म करेंगे, जिस तरह से जीन जो भी एक्शन करते हैं. और जीन का एक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोजेक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये बनाना होता है उनका काम. तो वो एंजाइम्स जिस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, दैट विल बी शोन इनटू फॉर्म ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट. तो वो आपको फिनोटिपिक इफेक्ट के फॉर्म में दिखता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल टॉपिक. यू हैव टू जस्ट लर्न द डेफिनेशन कि वॉट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड आफ्टर देन यू हैव टू गिव दैट एग्जाम्पल ओनली. इसके अलावा तो और कुछ भी एग्जाम में नहीं आता. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड देन कम टू द को डोमिनेंस. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग को डोमिनेंस. एंड हेयर यू कैन सी आई हैव जस्ट रिटन फ्यू थिंग्स फॉर यू दैट को डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल एलिज्म भी इसको बोलते हैं. तो ये दोनों नेम्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज बोर्ड में नेम्स का ही सारा खेल होता है. वो कुछ भी नेम्स चेंज करके आपसे पूछते हैं. तो मल्टीपल एलिज्म एंड को डोमिनेंस इज द सेम थिंग. एंड वॉट इज को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म? को मीन्स इट्स लाइक आपको साउंड ऐसे लग रहा ना कि साथ साथ रहना. को मीन्स जैसे को एग्जिस्टेंस आप कहते हो. तो वेन एवर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इवन इनकम्प्लीटली द रिसेसिव कैरेक्टर एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर साइड बाई साइड इन एफ1 हाइब्रिड, सो दिस फिनोमिना यू कैन कॉल देम को डोमिनेंस. दैट मीन्स इसमें क्या हुआ कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर अपने को सप्रेस नहीं करना चाहता. कोई भी कहता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहता है भी मैंने नहीं सप्रेस करना तुमको, कैपिटल आर है या कोई भी आप ले लिया, सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लिया, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, वो इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता. तो जब दोनों दूसरे को सप्रेस नहीं करना चाहते, तो व्हाट विल हैपन? दोनों कहते हैं चलो ठीक है, हम दोनों ही अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं. तो फिर दोनों का इफेक्ट जो है वो शो हो जाता है. तो दिस इज़ नोन एज को डोमिनेंस. दैट मीन्स दोनों की डोमिनेंस रह गई, किसी ने किसी को सप्रेस नहीं किया, किसी ने किसी को मना नहीं किया आने के लिए. तो दिस इज़ नोन एज को डोमिनेंस. यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट दैट द एलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इनडिपेंडेंटली, ठीक है, ये दोनों एलील्स अपने को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दिस इज नोन एज को डोमिनेंस. सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. द एलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड को डोमिनेंट एलील्स, है ना. सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. मल्टीपल एलिलिज्म भी इसको कहते हैं. वाई यू कॉल देम मल्टीपल एलील्स? मल्टीपल मीन्स कई सारे, और एलील्स मीन्स बहुत जो एलील्स हैं. एलीलिक फॉर्म जैसे मैंने बताया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका एलील हुआ, ये इसका एलील हुआ, ये दोनों एक दूसरे के एलील हो गए, फ्रेंड्स हो गए दोनों एक दूसरे के.
तो मल्टीपल मीन्स क्या, बहुत सारे. तो सम टाइम ऑल्सो हैपन दैट सपोज देयर इज अ वन जीन, कोई भी जीन है. सपोज इन दिस केस वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल इज़ वेरी फेमस. तो ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंड यू नो दैट वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, लाइक ए बी एंड ओ. दीज फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. एंड अगर आपको पता हो कि ये केवल एक जीन है, आई जीन, ओनली दिस इज गोइंग टू गवर्न द टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन योर बॉडी. केवल ये आई जीन बताएगा आपकी बॉडी में क्या ब्लड ग्रुप होगा. बट इट हैज़ एलील्स, डिफरेंट एलील्स. इट हैज़ थ्री एलील्स. इसके पास कितने एलील्स होते हैं? इसके पास थ्री एलील्स होते हैं, थ्री सेट्स ऑफ, रादर नॉट थ्री, यू कैन से सेट ऑफ थ्री एलील्स इसके अंदर होते हैं, विच दे आर गोइंग टू गवर्न कि कौन सा टाइप का आपका ब्लड ग्रुप होगा. तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, मल्टीपल एलिलिज्म. मीन्स दिस जीन हैज़ थ्री एलील्स, इसके पास तीन एलील्स हैं, तो मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं. दैट मीन्स मोर देन वन एलील और टू एलील्स वेन एवर प्रेजेंट इन टू सेम लोकस इन अ गिवन क्रोमोसोम, दे आर मेड द सीरीज ऑफ अ मल्टीपल एलिलिज्म. तो मल्टीपल एलिलिज्म की कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे ये एलील्स सेम लोकस पर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं. मल्टीपल एलील्स का काम ही होता है दे रेगुलेट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. कीप दिस थिंग इन माइंड. ये नहीं कि तीन एलील्स हैं इसके तो जिसका जो मन करेगा वो काम करेगा. नो, दे ओनली डिसाइड द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. ये आपको ध्यान रखना है कि सारे मिलके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं. तो मल्टीपल एलील्स रेगुलेट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. एंड बहुत सी और चीज़ें हैं जो अभी मैंने क्योंकि आपको नहीं पढ़ाई हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स. एंड दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द फर्दर मोर टॉपिक्स व्हेन वी कवर ऑल दीज थिंग्स. तो अभी हम फोकस करते हैं इसके एग्जांपल पर, विच इज़ वेरी मच एग्जाम इम्पॉर्टेंट इन दिस केस ऑफ इनकम, सॉरी कोडोमिनेंस, कि उसमें क्या हमने पढ़ना है. तो दिस इज़ द ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल. एंड हेयर इज सर्टेन things which you have studied in your junior classes, but again I am going to repeat it so that you can brush up your knowledge. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने बताया, आई टोल्ड यू कि आपके पास फोर ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी एंड ओ. एंड द ब्लड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और एबसेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज ऑन द आर बी सीज. एंड दीज स्पेसिफिक सब्सटेंसेज यू ऑल नो दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एंटीजन दो चीज़ें होती हैं आपको पता है. एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आर बी सी सर्फेस ऑफ द आर बी सीज. तो एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ें आपको याद हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद हैं तो यू कैन सी इट हियर दैट ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी. ब्लड ग्रुप बी हैज़ एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए. ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ एंटीजन, बोथ द एंटीजन इज प्रेजेंट वेयर एज एंटीबॉडी नील. एंड इन ब्लड ग्रुप ओ there is no antigen and all the antibodies. That's why you know that this is known as universal donor, O blood group, and AB is universal receiver. तो ये तो एक छोटा सा चीज़ हो गया कि आपको यहाँ पर पता चल गया ब्लड ग्रुप की आपको क्या है. बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड ग्रुप. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मल्टीपलिज्म और यू कैन से दैट कोडोमिनेंस चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर. तो आपको पता है कि सपोज इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ ब्लड ग्रुप ए, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर तो कौन से जीन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्सन के ब्लड ग्रुप ए के लिए, या कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं अगर किसी का अंदर ब्लड ग्रुप बी है. तो फॉर दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्लड ग्रुप कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ थ्री एलील्स एंड द जीन विच प्रोड्यूसेस एंटीजन ए उसको आप डिनोट करेंगे इस तरह से आई और ए, स्मॉल ए ऊपर लगाएंगे. दैट मीन्स आई इज़ अ जीन, मैंने बताया ब्लड ग्रुप के लिए जीन है, और ये कौन सा एंटीजन बनाएगा तो वो एंटीजन जो बना रहा है वो मैंने ऊपर लिखा है आई ए. एंड द जीन फॉर एंटीजन बी तो उसके लिए आप लिखोगे आई बी. एंड द जीन फॉर एब्सेंस फॉर बोथ द एंटीजन्स, कोई सा भी नहीं है एंटीजन तो उसको आप लिखोगे स्मॉल आई से. ऑलवेज रिमेंबर दिस, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है देन यू हैव टू राइट इट बाई द स्मॉल आई. तो जीन्स आई ए एंड आई बी, listen it very carefully because you have to then solve certain problems based on this thing that genes IA and genes IB are both dominant. ye dono hi dominant hai kis par, over the I. ye I ke upar dominant hote hain dono ke dono. I ko aap small I likhna chaho small I likho, aur agar aapko IO likhna hai to aap aise bhi likh sakte ho ya I0 jo marzi bol sakte ho. to IA and IB is dominant on the I, small I, is par ye dominant hote hain बट नॉट ओवर ईच अदर. ये एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होंगे कि ए बी पर डोमिनेंट हो रहा है और बी इस पर डोमिनेंट हो रहा है. नो,
दे आर नॉट डोमिनेंट विद ईच अदर, एक दूसरे को तो कुछ नहीं कहते, ठीक है, उनको छोड़ देते हैं, मगर आई के ऊपर तो दोनों डोमिनेंट शो करते हैं कि भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, ये बी बोलेगा मैं तेरे से बड़ा हूँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है. तो एनी पर्सन कैरीज टू ऑफ दीज एलील्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दैट मीन्स कि अगर एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बच्चे को ये मिला और दूसरे पेरेंट से भी ये मिला, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ओ, बिकॉज देर इज़ नो डोमिनेटिंग जीन, ना तो ए है ना तो बी है, ठीक है. तो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. द डोमिनेंट रिलेशनशिप ऑफ दीज थ्री एलील्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज बोथ ए एंड बी आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, चाहे बी हो तो ए अपने को एक्सप्रेस कर लेगा, ए है तो बी कर लेगा, नो प्रॉब्लम. बट दे शोन देयर डोमिनेंस ओवर द आई, पर आई के ऊपर दोनों दादागिरी करते हैं, ठीक है, कि अगर ए है तो भी वो आई को एक्सप्रेस नहीं, सॉरी, हाँ, अगर ए है तो वो भी आई को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, और अगर बी है तो वो भी आई को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा. और अगर बेचारा कहीं गलती से भी ये आ गया स्मॉल आई, तो ये कहेगा कि तुम तो ओ ब्लड ग्रुप बना लो बस, और कुछ नहीं बनाना तुमने, तो ये ओ ब्लड ग्रुप फिर बनाएगा. तो अब ये इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बच्चों आती हैं, और उसके पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व करो. यहाँ पर मैंने एक चार्ट के फॉर्म में भी पिक्चर ली हुई है. एलील्स फ्रॉम पेरेंट ए, पेरेंट ए मीन्स आप मदर को मानो या फादर को मानो, जिसको भी मानना है, एक मेल एंड फीमेल है, तो दैट मीन्स पेरेंट वन एंड पेरेंट टू का ये मतलब है. तो अगर मदर का, सपोज मैं फर्स्ट वाले को मदर मान लेती हूँ और ये वाले को फादर मान लेते हैं, तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसके अंदर तो आई ए होगा, और अगर एलील टू पेरेंट का, फादर का भी आई ए है, अगर ए ब्लड ग्रुप है, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग में क्या पॉसिबल हो सकता है, तो उस बच्चे के अंदर ए ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं. देन अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है मम्मी का, और पापा का जो है वो बी है, तो फिर जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ए बी ग्रुप आने के चांसेस हैं. फिर अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ये स्मॉल आई है, दैट मीन्स अब ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, आई इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट, अब ये इसको तो नहीं आने देगा ना, एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा बच्चे में, ए आएगा. इसी तरह से अगर ए और बी दोनों ही हैं, तो दोनों ही अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई टोल्ड यू दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों ही आ जाएंगे, तो ए बी आ जाएगा. बी और बी हैं दोनों में मदर एंड फादर में, तो भी बी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. देन आई बी अगर मदर के अंदर है और फादर के अंदर एक स्मॉल आई आ गया, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो शोइंग रिसेसिव कैरेक्टर, तो बी आई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, देन इट विल अगेन बी ब्लड ग्रुप. देन अगर दोनों का स्मॉल आई आ गया, दैट मीन्स कि ये क्या शो करेगा, ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई सा भी एंटीजन जो है वो नहीं है इसके अंदर. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस चार्ट, ये भी देखते चलते हैं. दिस चार्ट शोज दैट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन फॉर नोन ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट के ब्लड ग्रुप जो पता है, अगर ए और ए है, ये दोनों मदर एंड फादर के साथ इन्होंने बता दिए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. ए एंड ओ दोनों हो सकते हैं. अगर ए एंड बी है चाइल्ड के अंदर ब्लड ग्रुप, सपोज वी जस्ट इनलार्ज इट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो अब आपको दिख सकता है. और अगर ए थर्ड वन ए एंड ए बी है मदर फादर का, तो चाइल्ड के अंदर ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो पॉसिबिलिटी है, ए बी एंड ए बी हो सकता है, मतलब ए अलग बी, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस चार्ट में दी हुई हैं. तो वाई देर आर सो मच पॉसिबिलिटीज़ आर गिवन, सपोज आप कहोगे कि ए और ए है तो चाइल्ड के अंदर सिंपल हम ए लिख दें, ओ लिखने की क्या जरूरत है, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज अगर फादर के अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, मैं फादर एप से लिख रही हूँ, सपोज फादर के अंदर, रेड से ले लेती हूँ, फादर के अंदर और मदर, फादर का ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ है और मदर का ब्लड ग्रुप सपोज दिया हुआ है बी दिया हुआ है, या ए ही रख लो, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं, ए मदर का भी है ब्लड ग्रुप और फादर का भी, तो देर आर टू कंडीशंस पॉसिबल, आइदर फादर एंड मदर दे बोथ कैन बी आइदर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस. अगर मदर होमोजाइगस है तो वो ए आई ए आई ए होगा उसके अंदर, और अगर वो हेट्रोजाइगस है तो उसके अंदर आई ए और आई ओ होगा, सॉरी स्मॉल आई कर सकते हो, या इसको आप आई ओ भी लिख सकते हो, एज आई टोल्ड यू, तो स्मॉल आई आप बना लो यहाँ पर अगर आप भूल जा रहे हो, तो या आई ओ भी आप कर सकते हो. तो ये दीज पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. सिमिलरली इन द केस ऑफ फादर ऑल्सो, अगर फादर होमोजाइगस हैं तो उनका ब्लड ग्रुप भी आई ए होगा, और अगर फादर हेट्रोजाइगस हैं तो उनका भी आई ए और स्मॉल आई हो सकता है. तो नाउ इफ़ यू मेक द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, अगर इसकी हेल्प से आप पुनेट स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं, तो सपोज अगर आपने ये सेकंड वन वाला ले लिया, हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लिया, आई ए और आई वाला ये ले लिया आपने, फादर का जो सा मर्जी आप ले लो, मान लो आपने ऊपर वाला ले लिया डोमिनेंट वाला, आई ए और आई ए ले लिया आपने फादर का, और अब आप जब इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा क्रॉस आई ए आई ए आई ए आई ए ए
और ए ए और आई. तो ऑल द ब्लड ग्रुप्स आर डोमिनेंट, दैट मीन्स ए ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि जहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल है दैट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट, एंड वेयर इट इज़ कैपिटल ए एंड स्मॉल आई देन अगेन बिकॉज ए इज़ डोमिनेंट द ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस और चाइल्ड इज ऑल्सो ए. बट इन द केस वेयर सपोज यू हैव चेंज द कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको क्रॉसेज बना के दिखाने पड़ेंगे बाद में, तो सपोज यू हैव चेंज द कॉम्बिनेशंस, तो आपने जो ब्लड ग्रुप अभी लिए थे फादर और मदर के, तो सपोज कर लो आपने ले लिया, यहाँ पर हमें बनाए थे हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो आई ए और स्मॉल आई बनाया था इधर, और ये फादर का भी अगर हेट्रोजाइगस है तो सेम होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ़ आई चेंज द कलर, सपोज स्मॉल आई ले लेते हैं हम, तो और ये स्मॉल आई यहाँ पर भी आप ले लोगे, और स्मॉल आई ये मदर का भी आपने ले लिया, फादर का भी सेम ले लिया. तो अब यहाँ पर भी देखेंगे आप आई ए आई ए दोनों ही आ जाएंगे, यहाँ पर आई ए और स्मॉल आई आ जाएगा, यहाँ पर आई ए और स्मॉल आई आ जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल आई आ जाएगा. दैट मीन्स कि द थ्री ऑफ स्प्रिंग हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड वन ऑफ स्प्रिंग हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि ये वाला जो है ये क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा क्योंकि स्मॉल आई आ गया. तो वेन दे हैव आज द क्वेश्चन इन द फॉर्म दैट सपोज दे हैव गिवन द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज़ ए एंड फादर इज़ बी, तो आपको सिर्फ ए एंड बी मान के स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए मदर का दिया हुआ है फीमेल बना लेते हैं सिंबल, एंड बी सपोज फादर का दिया हुआ है मेल का सिंबल बनाते हैं, तो आपको पता है कि दो कंडीशंस आर पॉसिबल, आइदर होमोजाइगस कंडीशन तो जीनोटाइप इज़ आई ए आई ए, इफ़ हेट्रोजाइगस देन इट इज़ आई ए, और आप आई ओ लिख सकते हो या स्मॉल आई लिख सकते हो जो आपका दिल करे. इसी तरीके से अगर मदर का है बी ग्रुप है तो इट कैन बी आई बी आई बी हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, इट कैन बी आई बी और स्मॉल आई भी हो सकता है, या इसको आपको आई ओ लिखना है तो आप आई ओ भी लिख सकते हो. दैट मीन्स बोथ द कंडीशन आर पॉसिबल, तो यू हैव टू ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर टू टाइम्स, ट्वाइस आपको बनाना पड़ेगा, वंस वेयर यू शो द गैमिट्स ऑफ होमोजाइगस कंडीशन एंड अनदर टाइम सेकेंड टाइम यू हैव टू टेक द हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंड आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट in the form of assignment. I hope you can understand the process of this drawing the chart, sorry this drawing the Punnett square. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि what is the co-dominance and multiple allelism, ये दोनों ही same है, and in the case of ABO blood grouping in humans it is the example. Example के नाम से भी आ सकता है ना कि example किस में है, तो ABO blood grouping example है. मल्टीपल एलिज़म क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है इट इज़ ऑल्सो डिपिक्ट द मल्टीपल एलिज़म बिकॉज इट हैज़ मोर देन टू एलील्स द जीन आई आई मीन्स ब्लड ग्रुप के लिए तो ज़्यादा थ्री एलील्स हैं एंड दीज थ्री एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट और मल्टीपल एलील्स कैन बी शोन वेरी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो देयरफॉर डोमिनेंस इज, अब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों पढ़ने के बाद आफ्टर स्टडिंग द को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट डोमिनेंस इज नॉट एन यूनिवर्सल फिनोमिना, और यू कैन से डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और जीन प्रोडक्ट. इट इज तो बाय द एग्जांपल ऑफ दिस मल्टीपल एलिलिज्म और को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड दिस मच ओनली. And in the next topic, we will discuss some other interesting facts of the genetics. Thank you.